चलता हूँ ना भाई, अगली बार आओ तो माँ को बता के आना। अगली बार माँ को बता के आऊंगा और आपको हरा के जाऊंगा। अरे अर्जुन, पैसों की जरूरत हो तो और हाँ, भूलना मत, आज शाम 4 बजे शाम। बाय रणवीर। ट्रेन कितने बजे आएगी? ट्रेन बेटे 10 मिनट लेट है। क्या ना अंकल, वो सुबह का टाइम है ना, तो धक्का आया है। धक्का? हाँ, जोर से। ओह, उधर है। थैंक यू अंकल। मैं अंकल, ये मैं अपना बैग यहाँ रख दूँ? हाँ, श्योर श्योर श्योर। आप संभाल लेंगे ना? हाँ हाँ, आराम से जाओ। मैं जरा 5 मिनट में जाके आया। थैंक यू अंकल, मेरा बैग। डोंट वरी डोंट वरी। कहाँ गई थी बेटी तुम? मैगजीन। लो, आ गई ट्रेन। ओके पापा, टेक केयर। यू टू बेटा। और देखो बेटा, तुम मैं जानती हूँ पापा, मैं पहली बार आपके सबसे अच्छे दोस्त के घर जा रही हूँ। और फिर मैं अपने आप को पराया नहीं समझूंगी, वो मेरा पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। डोंट वरी, आई विल बी फाइन। एक बात और अंकल, जब वापस आए तो कह देना मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। तो जाने से पहले मिले ना, फोन किया। अरे बाबा, कह दूंगा, तुम नाराज मत हो। और देखो, यू मस्ट टेक केयर, ओके? आई लव यू। लव यू टू पापा। अरे मेरी ट्रेन। अंकल, अरे मेरी बैग। अंकल, मेरी बैग। अरे वो अंकल, चोरों और जेब कतरों से सावधान। आजे एक मिनट, चल जल्दी कर, 4 वेज आउट मान गए, जल्दी से लेकर 8 वेज छूटने वाली है, जल्दी। मुंबई जाना है। ये कोल्ड ड्रिंक्स। सुमी, किस बेवकूफ ने ये ट्रेन की टिकट्स बुक करवाई है? सर, पांडे ने। उस गधे को पता है ना मैं ट्रेन से ट्रैवल नहीं करता हूँ। कहाँ है पांडे? सर, वो तो कल रात की फ्लाइट से ही मुंबई चले गए। फ्लाइट से? पागल हो गया पांडे? इसी वक्त मेरी रेल मिनिस्टर से बात करवाओ। दिस कंट्री, आई टेल यू, मुझे तो वहां आना चाहिए था। सर, हॉलीवुड में ना। नंबर लगा? क्या कर रहा है यार तू? हेलो, रेल मिनिस्ट्री, हेलो। ओ पापा जी, थोड़ी और जोर से चला दो, आपकी आवाज ना डायरेक्ट दिल्ली पहुंच जाएगी, ये फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो, हो जी,
सरदार जी सर। कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक। अंकल जी आप पियेंगे? पापा जी तुसी नो लस्सी ओनली कोल्ड ड्रिंक। पिला ही दे कुछ, पर एक बात बता ते पास सबसे ठंडा क्या है? चिल्डम चिल्ड एकदम बर्फ है दू। जोक मारता है पापा जी, मैं जोक मारू तुसी कोक मारो। लिया। और तुम्हारा नाम क्या है मालको? अरे टी एस रंगनाथन, रंगा इन शॉर्ट्स। आपके लिए कुछ? ओके सर, आप कुछ लेंगे? रंगा जाना यार, सर बहुत टेंशन में है अभी। तेरे सर के सर पे टेंशन क्या है यार? कल शूटिंग है और अभी तक सीन ही नहीं लिखा है, वो भी जिसमें हीरो हीरोइन से प्यार का इजहार करता है। बस सर मैं बताता हूँ। सर हजम में अब ये लोग भी फिल्में बनाएंगे। ध्यान से सुनो, हीरो अपने घर से निकलता है, राहुल राहुल अपनी गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चलाने लगता है, हवा को चीरते हुए बिल्कुल तेज रफ्तार में, फेस पे एक्सप्रेशन मानो जैसे कोई सिपाही युद्ध पर निकला हो, गाड़ी सीधा जाके पूजा 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 के घर के सामने, राहुल गाड़ी से निकलता है, दरवाजे बंद, टक 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 टक, गेट की ओर बढ़ता है, गेट के सामने अंधेरे में खड़ा हुआ एक अकेला वॉचमैन, राहुल वॉचमैन से पूछता है, पूजा कहाँ है? राहुल पूजा की ओर बढ़ने लगता है, टक टक, राहुल पूजा की आंखों में देखता है और बस देखता ही रह जाता है। पूजा अपनी आंखें छुपा लेती है मगर राहुल दोबारा उसके पास जाता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, वो शादी है क्या जिसमें प्यार ना हो? तुम्हें कहा करती थी ना, कोई एक अजनबी के साथ अपनी सारी जिंदगी कैसे बिता सकता है? आई अग्री, मैं भी अपनी पसंद की लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ और मुझे अपनी पसंद मिल गई है। तुम जानना नहीं चाहोगे कि वो कौन है? हाँ मैंने जाना है तुम्हें, करीब से पहचाना है तुम्हें, नहीं रोक दो वरना आंख में घुस जाएगी। यारा ब्रिलियंट, कमाल हो गया यारा, कमाल हो गया। क्यों हो गया ना? कमाल है, आज तक ऐसा सीन किसी ने नहीं लिखा होगा। सुमित तूने लिख लिया ना? यस सर, ब्रिलियंट सर। तो मैं चलता हूँ। ओ यारा ठहर, ये तो बता आगे क्या होता है। सर अगर आपका काम मैं करने लग गया तो मेरा काम कौन करेगा? कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स। अबे फिर अरे ये बता, डैडो मॉम स्टेशन में क्या कर रहे थे? कहीं डैड ने मेरा भांडा तो नहीं फोड़ दिया? वो मुझे नहीं पता, मेरा काम था तुझे घर पहुंचा। ले आगे तेरा घर। विनय यार चल ना कॉफी पीते हैं। नहीं यार, माँ आ गई और मुझसे कोई सवाल पूछ लिया तो मैं फंस जाऊंगा। तू माँ से कितना डरता है यार, तू बहुत बड़ा डरपोक आदमी है। अच्छा ये तू बोल रहा है, चल ठीक है मैं माँ से मिलता हूँ और सब बता कर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं तू जा रहा था ना? वही ठीक है, तू निकल, मैं बाद में बताऊँ। ठीक बाय। जाए या नहीं? मॉम डैड अब आ गए। हाँ।
माँ आप डैड और मुझे ऐसे छोड़ के मत जाया करो, आपके बिना हम दोनों बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, है ना? वी मिस्ड यू मॉम, वी रियली मिस्ड यू। अर्जुन क्या हो गया तुम्हें? हाँ सब ठीक तो है ना? हाँ तो अर्जुन भी आ गया, सब ठीक है। विनय, विनय कहाँ? विनय, विनय वो तो अपने घर पे है ना, उसके यहाँ मेहमान आए हुए थे इसलिए तो मैं वापस आ गया। हाँ तो हमारे घर में भी एक मेहमान आ गया है। अच्छा तो आप लोग मेहमान को लेने स्टेशन गए थे? अरे बेवकूफ डैड, ये आपने ठीक नहीं किया। मेहमान अब तक सामान समेत बाहर खड़ा है और आप हैं कि सूटकेस तक अंदर नहीं ला सकते थे? माँ मुझे आप अपने काम सौंपा करो, मैं देखो अभी करके आता हूँ। रंगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिया तुम इसे जानती हो? हाँ जी, पैंट्री का बॉय, ये तो मेरे साथ ट्रेन में था। अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो विनय के घर पे था। ये ट्रेन में क्या बोल रही है? और ये रंगा कौन है? मैं कोई रंगा को नहीं जानता। हो सकता है माँ कि वो मेरा हमशक्ल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम ही हो। अरे क्या माँ? हाँ माँ, कहाँ गए तुम? रैली में मेरे मना करने के बाद भी? माँ सच कहूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती डैड की है। ओए, मैंने कहा था रैली में जाने के लिए। हाँ माँ, पहले तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फिर कहने लगे बड़ी मुश्किल से तो 4 दिन की आजादी मिली है, ले तू मजे कर और मुझे भी ऐश करने दे। माँ तुम घर छोड़ के जाया मत करो, पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। मुझे क्या हो जाता है? ये बोल तुझे क्या हो जाता है? डार्लिंग जब तुम गई ये अपना सामान लेकर मेरे पास आया और कहने लगा तुमने इसे रेस में जाने की इजाजत दे दी है। मुझे नहीं लगता कि तुमने दी होगी। अर्जुन तूने फिर अपनी माँ का दिल दुखाया। पता नहीं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। दिया चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हो, चलो डार्लिंग। डार्लिंग डार्लिंग देखा अच्छी बड़ी फैमिली का टीवी सीरियल बना दिया, मजा आया। लिसन मुझे नहीं पता था इतने प्रॉब्लम हो जाएंगे, सॉरी पर मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना। हाँ जानता हूँ पर हुआ तो तुम्हारी वजह से ना, अब बेचारे डैड को गार्डन में सोना पड़ेगा। I'm sorry. ठीक है it's okay. Hi, I'm Dia. ये सब होने के बाद सोचना पड़ेगा। जारी मेरी बात तो सुन। डैड सब ठीक तो है ना? सिचुएशन इज टोटली अंडर कंट्रोल। ओके तेरी माँ मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। अंकल आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं नहीं देखो बेटा, इस घर में रहना है तो अपना इल्जाम दूसरों के सर पे डालना सीखो जैसे ये करता है। या अभी तक तुम वहां हो, आ जाओ ना। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त मल्होत्रा साहब की बेटी है। डैड मेरे पास एक आइडिया है। ए माँ को मनाने का। क्या बोल? क्या? माँ, I'm really very 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 sorry माँ, सच आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। हर बार तुम यही कहते हो अर्जुन, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा रैली में जाना मुझे पसंद नहीं, फिर भी तुम जाते हो। जाओ करो जो जी में आए। सच रियली माँ? मजाक कर रहा हूँ। देखो माँ हम उन्हीं से मजाक करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, और मैं तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि आप भी मुझसे थोड़ा सा प्यार करती है। चुप मस्का मत लगा अभी। लव यू माँ। लव यू बेटा। माँ बाय द वे अगर आपके दिल में अब भी छोटी मोटी सी थोड़ी सी जगह पड़ी हो तो जरा इनको भी माफ कर दो, ये भी याद रखेंगे। अर्जुन सिचुएशन इज नाउ टोटली अंडर कंट्रोल। आंटी पापा ने कॉफी भेजी है हमारी प्लांटेशन की। थैंक यू बेटा। अंकल आज सुबह जो कुछ हुआ नहीं बेटा, इन दोनों से जरा भी हमदर्दी मत जताओ, ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। और आप हमेशा माफ कर देते हो। देख अर्जुन, दिया यहाँ एग्जाम देने आई है और मैं नहीं चाहती कि तुम अपना मजाक शुरू करो और इसे परेशानी हो, समझे? करने दीजिए आंटी,
जवाब हमें भी देना आता है। चलो कोई तो मिला इसे जवाब देने वाला। You wanna bet? Bet. Hey, no betting in my house. Hey, तूने फिर अपनी माँ का दिल दुखाया? Get out. Get out. गद्दारी. Get out. बेटे आप बैठो। नहीं, मुझे भी पढ़ाई करनी है। Good night, auntie. Good night. Good night, uncle. Good night. पता नहीं वो कब सीरियस होगा। मैं तो चाहूँगा कभी ना हो। आपकी तरह। Darling. जिम्मेदारियों का एहसास होने के लिए सीरियस होना जरूरी नहीं है, वो हंसते खेलते भी निभाई जा सकती हैं। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां कब समझेगा? हर चीज का वक्त होता है। अगर तुम उसे फोर्स करोगी तो हो सकता है वो उस चीज से दूर भागने लगे। जब समझना होगा खुद ही समझ जाएगा। हेलो, यस। अरे मल्होत्रा साहब, कैसे हैं जनाब? अजी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये तो बताओ, दिया पहुँच गई ना? दिया ठीक ठाक पहुँच गई है भाई। ये सब मुझे नहीं मालूम। लो मीनाक्षी से बात करो। हेलो, नमस्ते भाई साहब। जी बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग गए थे उसे लेने के लिए, बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती है। थैंक गॉड। अच्छा भाई साहब, आपने दिया को अर्जुन की फोटो दिखाई? जी नहीं, उसने तो फोटो देखने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, अब दिया आ गई ना, अच्छा है, दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।